press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Subscribe now. Welcome to Altruistic Education. My name is UMESH PILANIA. I am a political science graduate. I have qualified various competitive examinations for government jobs in India. Now you can connect with me on social sites. Here are the links to my social media handles. Let's begin, shall we? वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSC CGL 2018 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि जून 2019 में हुआ था, उसका 10 जून Shift-1 में जो इंग्लिश का पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है। द एनिमी विल हैव सीज द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। तो पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, सेकेंड काम होता है हेल्पिंग वर्ब को देखना, और इसी से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं, द एनिमी विल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो हमारा पैसिव किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, राइट। सीज द फोर्ट, द फोर्ट, द फोर्ट इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया और ये तो टाइमिंग दी हुई है, तो द फोर्ट होना चाहिए स्टार्टिंग में और विल हैव बीन सेंटेंस के अंदर होना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में द फोर्ट दिया हुआ है। वुड हैव बीन तो ये नहीं होगा, द एनिमी विल भी दिया हुआ नहीं होगा, द फोर्ट विल हैव बीन सीज बाय द एनिमी बिफोर नाइट फॉल, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला, बाकी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेज, जंबल सेंटेंसेज दिए हुए हैं, इनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला काम होता है ऑप्शंस में जाओ, देखो कौन से दो ऑप्शंस रिपीट हुए हैं। 90% केसेस में उन्हीं में से एक करेक्ट आंसर होता है, तो इसमें बी रिपीट हुआ दो बार, तो बी में देखते हैं बी के बाद डी सही होगा या बी के बाद सी सही होगा। देखते हैं बी पढ़कर। एट फर्स्ट, वैसे तो फर्स्ट स्टार्टिंग में एट फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट में होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो फर्स्ट दिया हुआ है तो बी तो होगा ही होगा स्टार्टिंग में। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन, ठीक है। फिर बी के बाद देखते हैं सी पढ़कर। रिकॉग्नाइजिंग हिम, किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं है कुछ ज्यादा। जो स्टूड पेट्रीफाइड स्टेयरिंग एट द मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट वेट फ्रॉम रेन। इसके बाद डी देखते हैं। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला, फिर बट देन, ये थोड़ा सही लगा। एट फर्स्ट पहले उसके बारे में कुछ बताया, बट देन नेक्स्ट बताया उसके बारे में, तो डी ज्यादा सही लग रहा है इसमें, राइट। बट देन फुट स्टेप्स अप्रोच द हाउस एंड अ स्ट्रेंजर एमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, ठीक है। उसके बाद फॉर अ स्प्लिट सेकेंड एज अ स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट हिज फरी हैड वॉज क्लियरली विजिबल। रिकॉग्नाइजिंग हिम, जो स्टूड पेट्रीफाइड स्टेयरिंग एट द मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट वेट फ्रॉम रेन। तो फोर्थ वाले में सबसे करेक्ट सेंस बनेगा और बाकी के ऑप्शन एकदम गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर हिंट मिल जाएगी ए के बाद बी होगा, यहाँ पर हिंट मिल जाएगी बी के बाद डी होगा, जो कि फोर्थ वाले में दिया हुआ है और फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वाले में सी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो इसलिए फोर्थ वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नोटोरियस पूछा गया था। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, जो बदनाम होते हैं, लाइक वो फेमस तो होते हैं लेकिन वो रॉन्ग वे में फेमस होते हैं, उसको हम बोलते हैं नोटोरियस। फेमस जो मतलब गुड वे में फेमस हो, लाइक नरेंद्र मोदी, ये गुड वे में फेमस है, लाइक दाऊद इब्राहिम, वो नोटोरियस है, राइट। तो नोटोरियस का एंटोनिम हो जाएगा फेमस। विजीसियस मतलब जो काफी क्रूल सा हो, राइट। इन फेमस नोटोरियस का सिनोनिम होता है डिसग्रेसफुल, मतलब कुछ गलत काम करना जो काफी शर्मनाक हो, राइट, उसको हम बोलते हैं डिसग्रेसफुल। मैं सारी की सारी वोकैबुलरी जो एस एस सी जी एल 2018 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी थी, मैं एक वीडियो में करा चुका हूँ वो सारी की सारी, उसमें सारे के सारे इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम सभी के सभी करा चुका हूँ। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है मेंटेनेंस की, यही होगी फर्स्ट वाली, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं, MINTENANCE। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इसको सब्स्टिट्यूट करना, तो देखते हैं कौन सा सही होगा। दो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पुंडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यहां पर हिंट मिल गई, ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, तो इन द 16th सेंचुरी कैसे हो जाएगा, फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, राइट, फ्रॉम होना चाहिए 16th सेंचुरी से लेके ऑनवर्ड्स आगे तक, राइट, इन द 16th सेंचुरी मतलब 16th सेंचुरी के अंदर, तो इसलिए फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यहां पर हमें हिंट मिल गई, इसलिए हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स टुडे इज अ रेलिक ऑफ इट्स फ्रेंच पास्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेक्रेट, सेक्रेट मतलब जो पूज्य हो, जिसकी हम काफी प्रेयर करते हैं, जिसको वर्शिप करते हैं, उसका बोलते हैं सेक्रेट, राइट। प्रोफेन हो जाएगा जो मतलब किसी भी तरह वर्शिप करने से रिलेट ना हो, जो एकदम
सेकुलर हो, जिसका रिलीजन से कोई लेना देना ना हो, उसको बोलते हैं प्रोफेन। वो बाकी के बाकी वर्ड्स मैं उस वीडियो में करा चुका हूँ, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडम इन द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इसका मीनिंग बताना है ईडम का। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब हाथ से हमने कमाया और मुंह में खा लिया, बस इतने तक सीमित रहना, राइट। उसको हम बोल, इसका मीनिंग हो जाएगा कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्न, जितना कमाते हैं डेली का डेली उतना खा लेते हैं, मतलब काफी इंप्रोवाइज होते हैं, काफी गरीब होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। ईडियम का मीनिंग बताना, कट टू द क्विक। कट टू द क्विक मतलब किसी को काफी ज्यादा हर्ट होना, हर्ट इंटेंसली, काफी ज्यादा बुरा लगना, राइट, उसको बोलते हैं कट टू द क्विक। अब उस वीडियो में देख सकते हैं इनका, इसका मीनिंग जान सकते हैं कैसे बना क्या हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बताना है, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व एमिकेबली अनलेस वन आर, वन वाई सिंगुलर है, वन सिंगुलर होता है तो वन के बाद इज यूज करते हैं, तो आर ये रॉन्ग हो जाएगा, वन इज नॉट रिजिड, राइट, वन के बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म बताना है, तो 90% केसेस में सेम रूल चलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो, हेल्पिंग वर्ब देखो, ऑप्शन का पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट होगा। शी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, इसकी एक्टिव फॉर्म पूछी है, ध्यान देने वाली बात है, एक्टिव फॉर्म पूछी है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है इसमें, पैसिव फॉर्म में तो एक्टिव में कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट का कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो फिर ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में किस तरह दिए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम गैस कर सकते हैं। तो वी इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सभी में वी दिया हुआ है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में दी हुई है, सिर्फ सेकंड में दी हुई है, इसलिए सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, जो मतलब आर्ट एंड कल्चर की जिसको समझना हो, जो उसको अच्छे से समझ नहीं पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलिस्टीन, राइट। साइनिक होता है जो हर चीज में कमी निकाले, साइंटिस्ट तो पता ही होगा। फिलेंडर मतलब जो इधर उधर जिसके काफी ज्यादा अफेयर्स हो, उसको हम बोलते हैं फिलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है देखते हैं। द इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट अ बेनिफिट्स ऑफ, बेनिफिट्स ऑफ यूज होता है, बाय यूज नहीं होता। हाईलाइट अ बेनिफिट्स ऑफ एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो बेनिफिट्स ऑफ होता है, तो इसलिए गलत दिया। नेक्स्ट देख, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वन्स कंट्री, जो अपनी कंट्री के लिए वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से जान दे देते हैं, जो शहीद हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मार्टियर, राइट। जो किसी एक टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, उसको बोलते हैं फैनेटिक। पैट्रियट जो देश प्रेम करता हो, राइट, देशभक्त। डिप्लोमेट जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो काम करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिप्लोमेट। गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स, बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शंस में देखते हैं कौन से दो रिपीट हुए, इसमें सी रिपीट हुआ, तो 90% केस में तो सी सही स्टार्टिंग होगी, तो सी देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग, राइट। अब देखते हैं सी के बाद ए ज्यादा परफेक्ट बैठेगा या बी, ए तो हमने देख लिया स्टूडेंट के बारे में बताया गया कि वो कॉरिडोर्स में इस तरह, राइट, और तो सी के बाद बी देख कर देखते हैं। अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट रंग, राइट, बट फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे, तो भाई बैल के बारे में ही बात होगी ना सेकंड में, और जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी हुई है, राइट, सी के बाद बी होना चाहिए, राइट, सी के बाद थर्ड में दिया हुआ है, और हमें क्योंकि दो ऑप्शंस में सी स्टार्टिंग में आया, तो इससे हमें पता चल गया सी स्टार्टिंग होगी और सी के बाद बी होगा, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी हुई है। बैल के बारे में बताया गया है, अ बैल कैन बी साउंड ग्लूमी और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोसे हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे, राइट, इसलिए सी के बाद बी होगा और स्टार्टिंग में सी होगा, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। बस इतना देखने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं, राइट, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंडम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सिंडम बताना। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस होता है जो मतलब पता हो कि ये डेंजरस है, ये फॉल होगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डेंजरस, राइट, सिंडम हो जाएगा डेंजरस। अबंडेंट जो काफी अमाउंट में प्रेजेंट हो, प्रीमेच्योर जो मेच्योर ना हो, ना समझो, वैल्यूएबल जो काफी वैल्यू दी जाए जिसे, राइट, वो होता है वैल्यूएबल, या पैसे में बोलते हैं वैल्यूएबल चीज होती है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंडम ऑफ द गिवन वर्ड, स्टेराइल, स्टेराइल मतलब बंजर, जो कुछ प्रोड्यूस ना कर सके, राइट, उसको बोलते हैं स्टेराइल। इसको सिंडम हो जाएगा बैरन, बैरन का भी मतलब वो होता है बंजर, जो जिससे कुछ प्रोड्यूस ना हो सके, राइट, प्रोडक्टिव मतलब जिससे काफी कुछ प्रोड्यूस किया जा सके, राइट, उससे प्रोडक्टिव प्योर, और बाकी आप देख सकते हैं उस वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं,
द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, उनको फाइंड आउट करना. तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछा गया था. परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर ब्लैंक सेजेस हु टोट द इम्पोर्टेंस ऑफ. सेजेस क्या होता है, जो पुराने जमाने के ऋषि मुनि होते हैं ना उनको हम सेजेस बोलते हैं, जो बताते हैं कुछ अच्छी बातें बताते हैं, स्पिरिचुअल थिंग बताते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं सेजेस. तो कौन से पुराने सेजेस भाई. परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंशियंट सेजेस, बाकी तो सही नहीं बैठेगा इसमें कोई भी. एक्सटेंट मतलब जो खत्म हो गए चले गए, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाले, एंटिंग मतलब जो एकदम स्पेशल हो, राइट, तो एंशियंट सही होगा. परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंशियंट सेजेस हु टोट द इम्पोर्टेंस ऑफ. इंपॉर्टेंट के बाद हमेशा ऑफ यूज करते हैं प्रेपोजिशन, इसलिए ऑफ होगा. देखते हैं सेजेस हु टोट द इम्पोर्टेंस ऑफ, राइट, बैलेंस. दिस मीन्स वी शुड बी ब्लैंक. देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ. वी शुड बी नोट टू टेक एनीथिंग टू फार. केयरलेस तो नहीं होगा, केयरफुली होगा, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं है. दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नोट टू टेक एनीथिंग टू फार. फोर्थ में देखते हैं और बी टू रेडिकल, राइट. दो हमें दो सिचुएशंस दी गई है, नोट टू टेक टू फार और बी टू रेडिकल, राइट. बाकी कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट ही नहीं बैठेगा, आप कोई भी रखकर देख लो नहीं बैठेगा करेक्ट, मीनिंग ही नहीं बनेगा सेंटेंस का, राइट. और इसलिए मैं बता भी नहीं सकता कौन सा कैसे होगा, क्योंकि बाकी कोई करेक्ट नहीं होगा इसमें, राइट. द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ ब्लैंक टू फार आर ऑब्वियस एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. वेंचरिंग, वेंचरिंग मतलब हल्का सा रिस्क लेना किस चीज में, राइट, कुछ स्टार्ट करने में. द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ वेंचरिंग टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. पायनियरिंग, तो किस चीज को अचीव करना, किस चीज में एकदम गुड होना, राइट, पायनियरिंग होता है वो. क्लाइंबिंग, रिस्किंग. रिस्किंग और वेंचरिंग में थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन वेंचरिंग यहाँ पर ज्यादा सही होगा, राइट. वेंचरिंग टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट स्पेल हुआ है उसको बताना कौन सा हुआ, राइट. एडोलेंस, एडोलेंस ये फर्स्ट वाला ही होगा, ए डी ओ एल ई एस सी ई एन सी ई. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक कुछ है. शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज अ वेरी एक्टर. इसमें यहाँ पर हिंट मिल गई, डिफरेंट रोल्स मतलब काफी ज्यादा क्वालिटीज है उसके अंदर. काफी ज्यादा क्वालिटीज किसके अंदर होती है, जो वर्सेटाइल होता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्सेटाइल होगा. शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, राइट, इसलिए वर्सेटाइल होगा. बाकी तो ऑप्शन एकदम अलग दिए हुए हैं, खराब दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. चार्ल्स डिकेंस वॉज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज ब्लैंक इन द विक्टोरिया एरा. विक्टोरिया एरा के अंदर कौन से होंगे जो उसके साथ काम करने वाले होंगे, राइट, मोस्ट ऑफ हिज जो उसके साथ करने वाले काम होंगे, राइट, जो कंटेम्प्रेरीज होंगे. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद रहते हैं, या जो किसी के टाइम की बात करते हैं उस टाइम में जो उसके साथ काम करने वाले होते हैं उसको भी हम कंटेम्प्रेरीज ही यूज करते हैं. बाकी ऑप्शन तो इन्होंने एकदम गलत दिए हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कंटेम्प्रेरीज ही करेक्ट बैठेगा. दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद.